आज आज के हम इस वीडियो में जो है संक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे कि संक्षेपण जो है क्या होता है। ये अलग टॉपिक है, अभिव्यक्ति और माध्यम का नहीं है, ये अलग ही टॉपिक है। मैंने आपको और भी चीज़ें पढ़ाई ना अभी, उपसर्ग, प्रत्यय या राष्ट्रभाषा, राजभाषा, वैसे ही संक्षेपण भी एक ऐसा ही टॉपिक है। तो इसमें ये है कि संक्षेपण क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए संक्षेपण क्या होता है। तो संक्षेपण कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल है इसका आंसर। हम किसी से कहते हैं ना कि यार इतनी सारा बोलने से अच्छा है कम शब्दों में ज़्यादा बात बोल दो, तो एक तरीके से संक्षेपण वही होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े पैराग्राफ आपको मिलते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको मिलती हैं, उनको जो है आपको छोटा करके लिखना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत कुछ रहता है। तो उसको जो छोटा करके आप लिखते हो ना, वही चीज़ जो है संक्षेपण कहलाती है। इंग्लिश में क्या करते हैं, आपको पैराग्राफ दिया जाता है और आपको जो इसकी समरी लिखनी पड़ती है, यानी जो इसे शॉर्ट करके आपको कम शब्दों में जो है समरी बनानी पड़ती है। कोई भी चीज़ दी है आपको बड़े तौर पे और उसको जो छोटे वे में लिखना, तो वो क्या है, संक्षेपण कहलाता है, अगर सिंपल वे में समझें। आगे हम इसकी जो है डेफिनेशन भी अच्छे से देख लेते कि क्या होता है। जरा ये देख लेते कि संक्षेपण जो है कहते किसे, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि संक्षेपण का अर्थ है सार। आगे और देखते हैं कि क्या लिखा है, अर्थात किसी दिए हुए लेख, टिप्पणी, अनुच्छेद या निबंध को संक्षिप्त करना या सार निकालना। का मतलब ये जो संक्षेपण होता है उसका मतलब होता है सार, यानी आप किसी भी चीज़ को, यानी कोई अच्छी कहानी है उसको आपने छोटे वे में किसी को बता दी, तो वो क्या है, संक्षेपण, यानी आपने कम शब्दों में जो है एकदम मेन मेन बात उसमें बता दी, तो वो संक्षेपण होता है। अर्थात करके यहाँ पे ये लिखा है कि किसी दिए हुए लेख, या तो कोई लेख हो या तो कोई टिप्पणी दी जाती है, या अनुच्छेद, अनुच्छेद मैंने आपको बताया है कि जो है पैराग्राफ में करके आपको लिखना रहता है वो अनुच्छेद होता है, या निबंध को संक्षिप्त करना, यानी निबंध को जो है आपको कम शब्दों में करना, या सार निकालना, या उस निबंध से जो है आपको सार यानी मेन मेन बात निकालना, वो क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे संक्षेपण यानी सार निकालना, किसी भी पैराग्राफ हो, टिप्पणी हो, अनुच्छेद हो, उसको जो क्या है शॉर्ट में करना, उसका जो सार निकलता है वो संक्षेपण कहलाता है। आगे यहाँ पे क्या लिखा है इसे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि संक्षेपण से आशय, दिए हुए लेख के मुख्य चार, तर्क आदि को कम से कम मुख्य शब्दों द्वारा श्रोता तक पहुँचाना है। अगर आप ऊपर निसार निकालना तक लिख लोगे ये, और एक और दूसरे इसका आशय भी दिया हुआ है, दोनों में से आप कुछ एक भी लिख सकते हो, दोनों लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, दोनों ही अलग अलग हैं, मतलब अपने अपने शब्दों में बताया गया है। तो इस वाले में जो है क्या समझाया गया इसे देख लेते हैं। संक्षेपण से आशय, दिए हुए लेख के मुख्य, यानी कोई भी लेख आपको दिया हुआ है उसके जो मुख्य विचार यानी मेन मेन बात है, क्या तर्क है, यानी कौन सी बात सही है गलत है, उसको जो है आप उन सब बातों को मिलाकर और कम से कम शब्दों में जो है श्रोता तक पहुंचाना है। श्रोता मतलब जो पढ़ रहा है या जो देख रहा है उन तक जो है पहुंचाना होता है, तो वो जो है संक्षेपण कहलाता है। अगर आपसे कोई भी संक्षेपण की डेफिनेशन, परिभाषा पूछता है या पूछता है कि संक्षेपण से क्या आशय, तो आप जो है लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको इतना ही लिखना है। मैंने आपको बताया अगर आशय में पूछा जाए तो ऐसे लिख देना, अगर परिभाषा में पूछा जाए तो ये सार निकालना तक लिख देना है। दोनों में से कोई भी एक याद है तो आप किसी में भी कोई सा लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो आपके समझाने के लिए कि आपको जो है कैसे समझ में आता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि संक्षेपण जो है क्या है। अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है तो इसको थोड़ा और लेंदी करके लिखना, कि 3 नंबर के हिसाब से आप इतना पूरा ये जितना भी दिया है पूरा पैरा लिखोगे तो वो सही रहेगा। नीचे ये दिया इसे भी ज़रा देख लेते क्या है। इधर क्या लिखा है कि किसी दिए गए लेख को 1/2 भागों में प्रस्तुत करना सारांश कहलाता है, 1/3 भाग में प्रस्तुत करना संक्षेपण, संक्षेपिका, आलेखन कहलाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि 1/5 भाग में प्रस्तुत करना टिप्पणी कहलाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है कि इसको कितने भाग में अगर आप लिखते हो तो वो जो है क्या क्या कहलाता है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है, 1/2 यानी आधा भाग, सीधा आप मान लो आधा भाग होता है, मतलब कोई भी लेख दिया है अगर उसका सीधा आधा आप जो है सार कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, वो सारांश कहलाता है। क्या है 1/3 भाग में प्रस्तुत करना संक्षेपण, संक्षेपिका, आलेखन कहलाता है। एक पैरा था आपने उसका आधा भाग कर दिया वो सारांश कहलाता है, लेकिन आपने उसके जो फिर से एक और भाग कर दिया तो वो क्या कहलाता है, संक्षेपण, संक्षेपिका या आलेखन कहलाता है। तो तीनों ही नाम आपको याद रखने, अगर पूछा जाए तो आप लिख देना। आगे यहाँ पे क्या है 1/5, अगर उसी का पैरा का जो है 1/5 भाग में प्रस्तुत कर देता है तो वो क्या कहलाता है, टिप्पणी कहलाता है।
हो सकता है मैंने 1/2 या 1/3 को थोड़ा उससे बता दिया होगा, आपको मालूम होगा कितने भाग को कैसे करने पर जो है कितना लिखना चाहिए हमें, तो वो जो है उस हिसाब से ये सब कहलाता है। अगर आप एक ही चीज़ को इतने में डिवाइड कर देते हो 1/2 में तो वो सारांश कहलाता है, अगर 1/3 में करते हो तो वो संक्षेपण कहलाता है, और अगर 1/5 में करते हो वो क्या है टिप्पणी कहलाती है। टिप्पणी आपने देखा होगा, आपको कोई भी छोटा सा टॉपिक दे देंगे और उसमें जो है आपको टिप्पणी करनी पड़ती है, तो वो जो टिप्पणी कहलाता है। तो इस तरीके से जो संक्षेपण होता है, अगर आपसे 3 नंबर में आए तो ये पूरा जो जितना भी है आप ये लिख दीजिएगा, इसमें अभी रटने जैसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ये क्या है। बात कर लेते कि संक्षेपण का जो महत्व क्या है और इसका उद्देश्य या उपयोग, अगर आपसे महत्व करके पूछे या उद्देश्य पूछे या उपयोग बोले तो आपको इसमें जो यही लिखना है, संक्षेपण लिख रहे हैं तो इसका आपको महत्व, इसका फायदा आपको क्या मिल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका उपयोग क्या है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है इसे जरा देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है कि कम से कम शब्दों में मुख्य मुख्य बातें कही जाएं। तो सबसे पहला महत्व, उद्देश्य या उपयोग क्या है कि हमें जो है कम से कम शब्दों में जो है मुख्य मुख्य बातें कही जाएं, यानी हमें कम से कम शब्दों में मुख्य मुख्य बातें कहना है, जो भी मेन मेन पॉइंट है या जो भी मेन मेन है उसमें हमें वो पहले कहना है। इससे क्या बोल रहा है ये सेकंड कि समय की बचत होती है। इससे क्या होता है इसके उपयोग करने से कि समय की जो है बचत होती है, जो कम शब्दों में मेन मेन बात अपनी कह दोगे तो इससे क्या होगी समय की बचत होती है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, पाठक या श्रोता का ध्यान केवल प्रमुख बातों की ओर ही रहता है जिससे कही गई बातों का प्रभाव पड़ता है और अनावश्यक बातों की ओर ध्यान नहीं जाता है। जैसे आप और मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं आपको जो संक्षेपण पढ़ा रही हूँ, मैं संक्षेपण ना पढ़ाने की जगह आपको कोई कहानी सुनाने लगूँ बीच में या उधर उधर की बातें करने लगूँ कि ये टॉपिक वो टॉपिक, पर मेन जो टॉपिक है छोड़कर और मैं जो कोई भी और टॉपिक पे बात करने लगूंगी तो आपको भी अजीब लगेगा कि मैम जो पहले संक्षेपण नहीं पढ़ा रही है, पहले कुछ और पढ़ा रही है। तो यहाँ पे यही बात ये कह रहा है कि जो पाठक या जो श्रोता है, यहाँ पे यही है कि जो भी पाठक या श्रोता है जो भी इसे पढ़ रहा है या देख रहा है तो वो जो क्या करे उसका ध्यान केवल प्रमुख बातों की ओर ही रहता है। जो पाठक और जो श्रोता जो आप हो, आपका ध्यान भी सिर्फ संक्षेपण पर ही रहेगा। और जो इससे क्या लिखा है कि जिससे कही गई बातों का प्रभाव पड़ता है और अनावश्यक बातों की ओर ध्यान नहीं जाता, यानी आप हो जैसे आपका ध्यान भी कोई अनावश्यक बात पे नहीं जाएगा, कोई दूसरी बात पे, संक्षेपण पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस भी उसी पे रहेगा। वैसे ही जो भी पाठक या श्रोता है उसका क्या होता है कि उसमें भी जो प्रमुख बातों को ही वो देखता है और कोई बातों को नहीं देखता है। यहाँ पे यही बोल कहना चाहता है कि जो भी पाठक और जो भी श्रोता है तो उसका ध्यान केवल प्रमुख बातों की ओर रहता है और जिससे कही गई बातों का प्रभाव पड़ता है और अनावश्यक बातों की ओर ध्यान नहीं देता। तो एक महत्व या एक उपयोग या एक उद्देश्य इसका ये हो गया कि जो श्रोता रहता है उसका ध्यान जो है प्रमुख बातों की ओर रहता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि संक्षेपण की विशेषताएं, अच्छे संक्षेपण की क्या विशेषता है, यानी जो संक्षेपण की एक विशेषता होती है वो क्या है, कोई भी आप अच्छा संक्षेपण लिखते हो तो उसकी जो है क्या विशेषता होती है, तो इसे देख लेते हैं। इतनी सारी याद में नहीं रखनी, आपको 3-4 जो याद रखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है, और अगर पेपर में आए तो आप लिख दें। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा इसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है कि दिए गए अवतरण को अब तक पढ़िए जब तक कि उसका केंद्रीय भाव स्पष्ट ना हो जाए। अवतरण क्या है कि कोई भी आपको लेख दे देंगे या कोई भी पैराग्राफ करके आपको दे देंगे, तो उसको जो है आप जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको जो है उसका मेन भाव समझ में नहीं आएगा कि आपको जो है संक्षेपण इसका कैसे लिखना है, इसका सार जो है आपको कैसे करना है। पहला पॉइंट ये है कि आप कोई भी लेख आपको दिया जा रहा है तो आपको उसको जो है अच्छे से पढ़ना है, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप उसका जो केंद्रीय भाव यानी उसका जो सार आप नहीं लिख पाओगे। सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पे कि केंद्रीय भाव स्पष्ट होते ही उससे संबंधित मुख्य विचारों वाक्यों को रेखांकित कर लीजिए। केंद्रीय भाव मतलब आपको उसको जो मेन, आपको पता चल गया कि ये जो पैराग्राफ इसमें जो है हमें क्या समझाना चाह रहा था, तो उससे संबंधित जितने भी मुख्य विचार है यानी जो भी आपको लग रहा है कि इसमें ये चीज़ मेन मेन है, तो उन वाक्यों को ये रेखांकित कर लीजिए यानी एक लाइन खींच लीजिए। आपके अब समझ में आ गए ये मैंने, जैसे आप पैराग्राफ में आप ढूंढते हो क्वेश्चन आंसर उसी तरीके से आपको जो ये पेसेज दिया जाता है वो भी क्या संक्षेपण ही है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पैराग्राफ दिया जाता है और आपको जो क्वेश्चन आंसर ढूंढने पड़ते हैं, मतलब मेन मेन आपको आंसर वगैरह ढूंढने पड़ते हैं, तो वो क्या होता है संक्षेपण ही होता है। पैसेज होता है वो क्या रहता है, वो संक्षेपण ही होता है। तो थर्ड क्या बोल रहा है कि इन रेखांकित वाक्यों क्यों नहीं आएगा को उत्तर पुस्तिका में अंत
अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य के रूप में किया जाना चाहिए। यानी आपने जो भी वाक उसके मेन में सिलेक्टेड की उसे क्या पीछे जो लास्ट में अपने को जो मिलती है ना शीट उसके लास्ट में करना चाहिए, एक रफ पेज बना लेना चाहिए और उसमें जो है उनको लिख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे आप करोगे तो वो नहीं करना चाहिए। अपन कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन करें या कोई भी चीज़ करें तो रफ हम आंसर शीट के पीछे ही करते हैं, तो वही बात जो है यहाँ कह रहे हैं वो। अगला क्या बोल रहा है कि उतारते समय ध्यान रहे कि कोई वाक्य ना छूटे ना ही कोई क्रम छूटे। अब आपने कोई भी पैराग्राफ यानी पैसेज में से आप कोई बात ढूंढ रहे हो तो वो जो है लाइन वाइज लाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले ये बात कह दी फिर वो बात कह दी, जो बात पहले जिसमें आ रही उसे उसी बात को पहले कहना चाहिए। अगला क्या बोल रहा है कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते हुए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करते हुए पुनः लिखें। इसका मतलब सिंपल यही है, अगर आप कोई भी सरल वाक्य हो तो आप अगर उसको मिश्र वाक्य में बदल रहे हैं या कोई एक अनेक शब्द उसको जो आप एक शब्द में कर रहे हैं तो उसे ये क्या बोल रहा है कि पुनः लिखें। इसको ये बोल रहा है कि इसे जो है दोबारा लिखें। हालांकि ये पॉइंट इतना वो लग नहीं रहा है, इसका अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पुनः लिखते समय धारण दृश्यांत मुहावरे कहावत है में अनावश्यक शब्द हटा देना चाहिए। इनका मतलब ये आप कोई भी रफ में एक तरीके से कर रहे हो, जब उसको आप फेयर में कर रहे हो अच्छी तरीके से तो उसमें जो है आप कोई भी ऐसी चीज़ ना रखें। मान लीजिए कोई भी मुहावरे या कोई कहावत है तो उसमें जो मेन बात है वही होना चाहिए, ऐसे कोई अनावश्यक शब्द हटा देना चाहिए। यानी कोई भी ऐसे शब्द आ रहे बीच में तो उन्हें जो है हटा देना चाहिए। पुनः यानी वही आपने रफ में लिखा तो जब आप उसको फेयर कर रहे हो तो आपको इस तरीके से करना चाहिए। आगे ये क्या बोल रहा है कि भाषा स्वयं की हो लेकिन विचार लेखक के होना चाहिए। क्या बोल रहा है वो, भाषा खुद की लिख लो लेकिन विचार जो लेखक ने दिए वही होना चाहिए। जो लेखक की कोई बात है या विचार है तो वो लिखा हुआ है लेकिन आपको जो वर्ड लिखे वो थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, तो भाषा खुद की आप उसे अपनी भाषा में समझ के लिख सकते हो लेकिन विचार वही होना चाहिए जो सोच वो रख रहा है कि उसने इसका मतलब यही बोला है लेखक ने तो उसका मतलब यही होना चाहिए ऐसा। आगे अगला क्या बोल रहा है कि अन्य पुरुषवाचक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि अन्य पुरुषवाचक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी आपने प्रथम पुरुष वाचक पुरुषवाचक ये सब पढ़े जो है इनका जो है प्रयोग करना चाहिए। अगला क्या बोल रहा है कि उचित शीर्षक दीजिए, शीर्षक छोटे से छोटा होना चाहिए। शीर्षक जो आपको हमेशा क्वेश्चन में पूछते हैं कि आपका जो है इसका शीर्षक क्या है, इसे बोलो टाइटल, तो हर पैसेज में जो है आपको ही पूछते हैं तो छोटे से छोटा होना चाहिए। जब आपको इसका टाइटल दो या कोई शीर्षक दो तो वो छोटे से छोटा होना चाहिए। जो आपको पॉइंट अच्छे लग रहे हैं इजी वो जो है आप इन्हें याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, दो या तीन नंबर भी हो सकता है पूछ लें या ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि संक्षेपण को क्या है इस तरीके से। जो ये थोड़ा संक्षेपण के उदाहरण देख लेते कि उदाहरण किस तरीके से, मान लो कोई पैराग्राफ दिया और आपको जो इसे शॉर्ट में करना है तो आप अपनी मेन बातें जो है किस तरीके से खाएंगे, तो यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे दिया है। आपको ये नहीं याद करना है, बस ये आपको उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि अगर हो तो किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा ज़रा देख लेते कि साहित्य का आधार जीवन है, इसी नियम पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अवरैया पर मीनार व गुम्बद बनते लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है, इसे देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की पुष्टि है इसलिए अनंत है, अबोध है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की दृष्टि है इसलिए सुबोध है, शुभम है और अमान्यताओं से परिचित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाब दें ये नहीं हमें मालूम नहीं। जो ये संक्षेपण का एक उदाहरण है, मतलब एक पैराग्राफ को करके जो छोटे वे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है कि जो हमारा साहित्य वो क्या है, वो हमारे जीवन का क्या है आधार है और उसके नियम पर ही जो है क्या है साहित्य की जो है दीवार खड़ी होती है। एक तरीके से पूरा जो साहित्य का ढांचा इन्होंने तैयार कर दी कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, अनंत है वो, अबोध है, तो इससे जो है इन्होंने कम शब्दों में जो है साहित्य को बहुत ही अच्छे से समझा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी लेख दिया जाता है और उसको आपको जो संक्षेपण में करना है तो आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसे ज़्यादा डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है ये जो पैरा है, क्योंकि हमें इसे याद नहीं करना है, हमें बस समझना था कि किस तरीके से उन्होंने जो है अपनी बात कही है। संक्षेपण का कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप कर लो, क्योंकि आपने ये समझ लिया, उसका महत्व समझ लिया है, उसकी विशेषताएं समझ ली, संक्षेपण क्या है ये समझ लिया, डेफिनेशन ही ज़्यादा आती है पेपर में, तो अगर आएगी तो आप इसे कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये जो वीडियो है एंड होती है और हमने जो इसमें पूरा संक्षेपण पढ़ लिया है। ये जो है ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक है और इन्हें हमने कवर कर लिया है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।